Due to my hectic busy schedule, it is not possible to reply each and every comments. कई बार सिमिलर क्वेरीज होती है और हर मदर को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने हेलो डॉक्टर सीरीज स्टार्ट किया है। जो वीक में एक बार आएगा। इसमें मैं ऐसे 5 कमेंट्स चूज करूंगा जिसके रिप्लाई से मैक्सिमम मदर को बेनिफिट मिल सके। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका पीडियाट्रिशियन डॉक्टर विजय कुमार यादव और आपका स्वागत है मेरे चैनल चाइल्ड A to Z इंडिया की न्यू सीरीज हेलो डॉक्टर, सवाल आपके जवाब मेरे में। तो चलिए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेरी, मेरी एक सब्सक्राइबर फॉर यू ने पूछा है, सर आपसे एक सवाल है, प्लीज जवाब देना। मेरा बेबी 26 डेज का है, उसका मेरे मिल्क से पेट नहीं भरता है, वो जब भी दूध मांगता है मेरा तो एक दो बार ठीक से आता है। एक्चुअली ये जानना चाहती हैं कि क्या मैं ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ फार्मूला फीड भी दे सकती हूँ, क्या दोनों को एक साथ देने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इस तरह का सिमिलर क्वेरीज मनीषा शर्मा जी, सुनीता वर्मा जी और मोनिका सिंह के साथ साथ मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने पूछा है। मुझे लगता है ये न्यू मॉम है, क्योंकि न्यू मॉम के साथ इस तरह की दिक्कत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेस्ट मिल्क आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन कई बार न्यू मदर को ऐसा लगता है कि उनका ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा रो रहा है। बच्चे के रोने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहले आप यह कन्फर्म कर लो कि बच्चा क्यों रो रहा है। हो सकता है बच्चे का डायपर गीला हो, बच्चे ने पोटी किया हो, हो सकता है बच्चे को डायपर एरिया में रैश हो, बच्चे को कोलिक पेन हो, जो बच्चे के रोने का एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। ऐसा भी हो सकता है बच्चे ने डकार ना लिया हो, बच्चा न्यू ड्रेस पहना हो जिसकी वजह से उसे इरिटेशन हो रहा हो, बच्चे को नींद आ रही हो। इन सारे रीजन को पहले रूल आउट करना है। दूसरी बात, मदर कैसे जान सकती है कि उसका ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए पर्याप्त है कि नहीं है। अगर बच्चा 24 घंटे में 8 से लेकर 10 बार यूरिन पास कर रहा है, हर बार फीड करने के बाद बच्चा अच्छे से सो जा रहा है, उसका वीकली बेसिस पर वेट गेन हो रहा है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपका ब्रेस्ट मिल्क आपके बच्चे के लिए पर्याप्त है। हर बार फीड कराने के बाद उसे डकार दिलाना है जिससे उसकी गैस पास हो सके। अगर इतना सब कन्फर्म होने के बाद भी आपको लगता है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क आपके बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आप ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ फार्मूला फीड भी दे सकती हैं। दोनों को एक साथ देने में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं आज का सेकेंड क्वेरी क्या है। सुहाना जी और हर्षरीत जी पूछ रही हैं, ब्रेस्ट मिल्क को कैसे इंक्रीज किया जाए। सिमिलर क्वेरीज मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने भी पूछा है। अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाना है तो आपको 6 बातों पर ध्यान देना होगा। पहली बात, पॉजिटिव फीलिंग। आप अपने बच्चे के प्रति पॉजिटिव फीलिंग लाएं, उसके प्रति लव, केयर और अफेक्शन शो करें, अपने एंजाइटी को कम करें। दूसरी बात, मदर को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए या लिक्विड पदार्थ लेना चाहिए। तीसरी बात, मदर को हर 2 घंटे पर ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, या बेबी के डिमांड पर आप पहले भी करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दूध नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, तो भी अपने छाती से ज़रूर लगाएं। चौथी बात, रात में 12 बजे के बाद और सुबह में 6 बजे के पहले 3 बार ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराएं। ऐसा करने से प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज होगा और आपका ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज हो जाएगा। पांचवी बात, मदर अपने डाइट में ताजी फल और हरी पत्तेदार सब्जियां ऐड करें। छठा और लास्ट पॉइंट, मदर आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन डिलीवरी के बाद 6 महीने तक जरूर ले। अगर इतना सब करने के बाद भी आपको लग रहा है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क पर्याप्त नहीं हो रहा है, तो आप पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करने के बाद पेरिनॉर्म टेबलेट और लैक्टेयर ग्रेनुल्स ले सकती हैं, लेकिन इसकी डोज एक बार पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट कर लें। दोस्तों, अब लेते हैं आज का थर्ड क्वेरी। नीलम जी पूछ रही हैं, मेरा बच्चा 2 महीने का हो गया है, वह अंगूठा चूसता है, क्या यह नॉर्मल है। इस तरह की सिमिलर क्वेरीज मुश्ताकमा जी, ज्योति जी के साथ साथ मेरी बहुत सारे सब्सक्राइबर ने पूछा है। बच्चे का 5 to 6 ईयर की एज तक अंगूठा चूसना नॉर्मल है, स्पेशली 1 ईयर तक, क्योंकि बच्चे का अंगूठा चूसना उसके सकिंग और फीडिंग रिफ्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए 1 साल से कम के बच्चे को कुछ नहीं करना है। जो बच्चे 1 साल से लेकर 6 साल के बीच के हैं, अगर वो अंगूठा चूस रहे हैं तो उनको मना नहीं करना है, बल्कि उनके माइंड को डाइवर्ट करना है।
क्योंकि अगर आप बच्चे को मना करेंगे तो और ज़्यादा अंगूठा चूसेगा। इसके बावजूद भी अगर बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो 1 साल से लेकर 6 साल के बच्चों के बीच में यह एक नॉर्मल फिनोमेना है, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। एक समय के बाद बच्चा अपने आप अंगूठा चूसना बंद कर देगा। लेकिन अगर आपका बच्चा 6 साल के ऊपर का है और वो अब भी अंगूठा चूस रहा है तो यह एक एबनॉर्मल बात है। ऐसे सिचुएशन में आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों अब लेते हैं आज का 4th क्वेरी। रीना पालीवाल जी पूछ रही हैं, क्या बच्चे को सर्दी के मौसम में ब्रांडी दे सकते हैं? इस तरह की सिमिलर क्वेरी कुछ और सब्सक्राइबर ने भी पूछा है। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चे को सर्दी जुखाम और ठंडी से बचाने के लिए उसे ब्रांडी या रम पिला देते हैं और साथ ही उसके हाथ और पैर को ब्रांडी या रम से मालिश करते हैं। बच्चे का शरीर एल्कोहल को झेल नहीं सकता है। बच्चे को चक्कर, उल्टी और कई केस में बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। अगर आप बच्चे को ब्रांडी या रम देंगे तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट हैम्पर हो सकता है और ऐसे बच्चे फ्यूचर में एल्कोहल के लिए एडिक्ट हो सकते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। दोस्तों अब लेते हैं आज का 5th एंड लास्ट क्वेरी। कृष्णा कोठाले जी ने पूछा है, सर मेरा बेटा अभी 3.5 मंथ्स का है, उसका वेट 4.9 केजी है, क्या यह ठीक है? इस तरह की सिमिलर क्वेरीज कुमुद मिश्रा जी, रिचा जी के साथ साथ मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने पूछा है। एक्चुअली मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को बताना चाहता हूँ कि बिना बर्थ वेट और जेस्टेशन एज यानी बच्चा 9 मंथ कम्प्लीट होने के बाद पैदा हुआ या प्री मेच्योर पैदा हुआ, इन दोनों के बिना यह बता पाना संभव नहीं है कि आपके बच्चे का वेट ठीक है या नहीं है। इसलिए मेरा अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इस तरह की क्वेरी पूछें तो उसमें बच्चे का बर्थ वेट, उसका जेस्टेशन एज और करेंट वेट क्या है यह बताने की जरूर कोशिश करें। कृष्णा जी के बेटे का बर्थ वेट 2.8 केजी था और वह पूरे 9 मंथ्स 2 डेज कम्प्लीट होने के बाद पैदा हुआ था। अगर मैं इसे WHO ग्रोथ चार्ट पर प्लॉट करूं, तो यह -2 to -3 स्टैंडर्ड डिविएशन में आ रहा है। यह इस एज ग्रुप के बच्चे के लिए नॉर्मल है, लेकिन यह लोअर नॉर्मल है। इसलिए मैं कृष्णा जी या और भी मदर जिनके बच्चे 6 मंथ्स के कम के हैं उनको बताना चाहता हूं, आप अपने बच्चे को हर 2 घंटे पर ब्रेस्ट फीडिंग कराएं या बेबी के डिमांड पर आप 2 घंटे से पहले भी करा सकती हैं। पूरे 24 घंटे में 10 से लेकर 12 बार ब्रेस्ट फीड या फार्मूला फीड दें। रात में 12 बजे के बाद और सुबह के 6 बजे के पहले एटलीस्ट 3 बार ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराएं। एक बार में एक छाती से दूध पिलाएं और दूसरी बार दूसरे छाती से दूध पिलाएं एंड सो ऑन, क्योंकि जो स्टार्टिंग में दूध आता है वो पानी जैसा पतला होता है जिससे बच्चे की प्यास बुझती है और बाद में जो दूध आता है वो गाढ़ा होता है जो प्रोटीन और फैट में रिच होता है जो बच्चे का वजन बढ़ाने और उसे मोटा करने में हेल्प करता है। इसलिए एक बार में एक छाती से दूध पिलाएं और दूसरी बार दूसरे छाती से दूध पिलाएं। अगर मैंने जो भी पॉइंट्स बताया है अगर आप इसे फॉलो करेंगी तो आपका बच्चा मोटा हो जाएगा और वह गोलू मोलू दिखेगा। आई होप हेलो डॉक्टर सीरीज से आपको काफ़ी मदद मिलेगी और मैक्सिमम लोगों के डाउट क्लियर होंगे। अगर हेलो डॉक्टर सीरीज अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक जरूर दें। ऐसे ही बच्चों से रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे चैनल Child A to Z India को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें सो दैट और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके।